नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों में लगातार केपी शर्मा ओली का जिक्र बार बार होता रहा है। हमारे देश से जोड़कर हुआ है, चीन से जोड़कर हुआ है, और इसके साथ साथ नेपाल ने बीते कुछ समय में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो चीन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब केपी शर्मा ओली ने एक बयान और दिया है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में भी दिखाई दे रही है। राजशाही की तरफ क्या वापस लौटेगा नेपाल, या फिर ये जो चुनावों की प्रक्रिया है ये बनी रहेगी, इसको लेकर के अभी बहुत कुछ कहना सही नहीं होगा। अंग्रेजी में कहते हैं जंप द गन, तो उस तरह से बात नहीं की जाएगी, बल्कि ये जाना जाएगा कि अब कैसे केपी शर्मा ओली, खास तौर पर भारतीय रॉ के चीफ जो वहां पर गए, और आरएनएडब्ल्यू के चीफ ने जब वहां पर जाकर बात की आराम से, उसके बाद हमारे जनरल जाते हैं, जनरल को भी बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता है वहां पर, तो उसके बाद से ही केपी शर्मा ओली का जो रुख है वो बदला नजर आ रहा है। वो चीन को अब ये भी बोल रहे हैं कि आप हमारी स्वतंत्रता पर जो है वो लगातार प्रहार कर रहे हैं और हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, क्योंकि चीन कई जगह पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है, और ये कहते हुए करना चाहता है कि भैया हम तो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन दरअसल यही उसने तिब्बत में भी किया है, यही उसने भूटान में भी किया है, कि दूसरे देशों की सीमाओं में प्रवेश कर वो उन जमीनों को हड़प लेता है, उस इलाके में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होता है वो उसका हो जाता है, और इन सारी चीजों से इतर फिर वो क्लेम करने लगता है उस प्रॉपर्टी पर। यही भूटान में हुआ, जहां पर हम डोकलाम के लिए लड़ रहे हैं, और यही अगर आप देखें चाइना का नेपाल से जो जुड़ता हुआ हिस्सा है, वहां पर भी नेपाल यही कोशिश कर रहा है। तो अब शायद भारत के समझाने के बाद शायद नेपाल के प्रधानमंत्री की समझ में ये बात आ रही है कि चीन को अगर उस हिस्से में निर्माण करने का किसी तरह का कोई हक दिया जाता है तो फिर उस लैंड को खो बैठेगा, या फिर वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन जाएगी। इस वजह से नेपाल शायद थोड़ा पहले प्रोएक्टिव हो गया है भारत के समझाने के बाद, और यही वो लगातार अब चाइना को कह रहा है। तो कह सकते हैं कि केपी शर्मा ओली, हिंदी में हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो कुछ वही स्थिति है केपी शर्मा ओली की। शायद जान चुके हैं कि गलती हो गई थी और अब वापस लौटने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।